हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आप सब कैसे हैं बताइएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी चटनी वाले आलू। तो ये यूपी के फेमस हैं, चटनी और आलू में मिक्स कर दिया जाता है इन्हें। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैं बना रही हूँ, देखिए, एक मस्त सब आलू के लिए फ्रेंड्स। यहाँ बना रही हूँ मैं एक बालों में लगाने के लिए हेल्दी जो है वाटर बना रही हूँ, वो मैं अलसी के बीज से बनाऊँगी। यहाँ मैंने लिया है एक कप पानी। तो इसे मैं गैस पे रख दूंगी और फ्लेम ऑन कर दूंगी। अब इसके अंदर मुझे डालने हैं एक चम्मच अलसी। तो अब डाल रही हूँ मैं एक चम्मच अलसी, और फ्लेम को मुझे फुल पे नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। और इसको हमें अच्छे से हिलाते रहना है और ये जेल बन जाएगा। तो इसे हमें लगातार हिलाते रहना है, और जब ये उबल जाएगा तो इसको हमें 5 मिनट तक अच्छे से उबालना है। फिर भी आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी कर सकते हैं, और ऐसे भी बालों में लगाएंगे तो ये बालों को स्ट्रेट भी करता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो होती है आपके बालों की वो कम करता है, क्योंकि हमने खुद ही इसको यूज़ करके देखा है। तो मैं आपको तभी बता रही हूँ ये। तो इसमें उबाले आने शुरू हो चुके हैं, देखिएगा। और इसमें मैंने आरओ का पानी लिया था, क्योंकि आरओ का पानी बेस्ट रहता है। तो आप इसके जो वो बजेंगे ना सीड्स, तो आप इसको फेस पर भी लगा सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप जब इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे तो एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल देना, और रात को इसे लगा के और सुबह हेड वॉश कर लेना। तो मैंने रात को लगाया था, लेकिन मैं अब फिर से सुबह एक बार ही लगा के और तब हेड वॉश करूँगी, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो चुके हैं और इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है बालों में। तो चलिए अब इसको 5 मिनट तक और उबाल लेते हैं, फिर इसको ठंडा करके लगाएंगे हम। और इसको जब हम लगा लेंगे तो उसके बाद हमें जो हेड है वो नॉर्मल पानी से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, उससे हमें हेड वॉश करना है। फिर आप बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट इसके मिले हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का, तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ, तो ये अपने आप ही अभी बॉइल हो रहा है, क्योंकि शायद इसका हीट है जो इसको वो कर रहा है। तो चलिए ठंडा होने पर मैं इसे लगाती हूँ अपने बालों। तो यहाँ छन्नी रख दी है मैंने, अब इसे हमें अच्छे से छान लेना है। और इसके जो एक मास्क और आता है वो भी मैं बताऊंगी आपको, पहले आप ये लगा के बताइएगा मुझे इसका कैसा आपको लगा। तो यहाँ पर मैंने इसका ये जेल जो था, जिसके सीड बचे थे उनको मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है। तो ये आप इसमें जो है ये वाला है मेरे पास, अब इसको मैं बालों में लगाऊंगी, और ये थोड़ा सा जेल जैसा हो जाता है। इसको चाहें तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही लगा लीजिए। इसको फेस पर मसाज कीजिएगा, आप रिज़ल्ट देखिएगा, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। तो चलिए पहले मैं बालों में लगा लेती हूँ। तो अब ये जो जेल है तो ये मैं बालों में इस तरह से लगाऊंगी कि सारे बालों में अच्छे से लगा लेना, और आप 1-2 घंटे बाद इसका हेड वॉश कर लेना पानी से। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको रात को लगा के भी सो सकते हैं, तो रात का तो वैसे ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने रात में भी लगाया था, तो एक बारी सुबह में भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। जब मैं हेड वॉश करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। वैसे बाल काफ़ी वो हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, और जैसे बाल मुड़े मुड़े होते हैं ना, धीरे धीरे ये बाल भी स्ट्रेट होने लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने हेड वॉश कर लिया, और बाल जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से, कंडीशनर होता है ना वो यूज़ करके इस तरह से कुछ बाल हो गए हैं, और ये बहुत रफ़ हो चुके थे क्योंकि मैंने कलर वगैरह भी करवाया हुआ है, हाईलाइट्स के बाद बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। तो बाल अब ना बीच में 2-3 हुआ था, हाँ, इनकी थोड़ी बकबक करने की आदत है, वो तो इनको पता है ना मैंने हेयर स्टाइल की वजह से खराब। तो अब बाल बिल्कुल ठीक है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है इसका। तो देखिए गाइस, जो मैंने आपको दिखाई थी शॉल, तो मैंने वो 3 या 4 दिन में पूरी कर ली है, और वो इस तरह से है कुछ, और बहुत ज़्यादा गर्म है ये, जो कि देख के इन बहन जी को बहुत लालच आ रही है कि मुझे दे दो। और ये देखिए, जिनको ठंड लगती है तो ऐसे कपड़े पहनते इसीलिए ये रजाई के अंदर घुसी हुई है, क्योंकि देखिए आपको दिख ही रहा होगा स्लीवलेस पहना है, तो जिसको ठंड लगती है तो वो स्लीवलेस पहनता है मेरी तरह। देखिए शॉल, जबकि मैंने भी स्वेटर नहीं पहना है, तो मुझे किसी टाइम गर्मी लगती है, किसी टाइम ठंड लगती है, तो मैंने फिर ये शॉल लिया हुआ है। तो ये बहुत ही गर्म है, तो अब इनको चाहिए तो वो मैं दूंगी या नहीं दूंगी बता यार। वाह, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। हाँ 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 हाँ
देखिए ऐसी लड़कियां भी होती हैं, लानत है इन जैसे बच्चों के पैदा होने पर ही।